मेकअप yes. के लिए दोनों ही पाउच बहुत प्यारे थे इन लाइनर में कंफ्यूज थी कि कौन सा अच्छा है थ्री नाइन नाइन में बहुत सारे ऑप्शन सबसे सुंदर वैली मुझे दिखाई थी और यहाँ पर इतना सारा ढेर के तो मुझे चक्कर आने लगे थे ओ माई गॉड ये हाथ मुझे वहाँ हुआ मिला हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कैसे गुड आज मेरा फिर से जूडियो जाने का प्लान बना तो सोचा क्यों ना आपको भी अपने साथ ले चलूँ। हर जगह जूडियो 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 सुनने को मिलता है तो फिर से हम वहाँ पर चलकर कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं तो चलो तो मैं पहुंच गई हूँ वीडियो और अब हम अंदर चल के सारा समर कलेक्शन एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी इन क्यूट से पाउच पे जो मेकअप रखने के लिए मुझे काफ़ी पसंद आए और इनका स्टफ भी काफ़ी अच्छा है और इनका जो प्राइस है वो 199 से स्टार्ट हो रहा है बहुत ही क्यूट और यहाँ पर लाइनर के मुझे दो ऑप्शन दिखाई दिए ग्रीन इसका कलर काफ़ी सुंदर है और ब्लू का जो पिगमेंट है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया और एक और ऑप्शन यहाँ पर मुझे यहाँ दिखाई दिया वो है ब्राउन और ये मेटेलिक ब्राउन है इसमें हल्के हल्के स्पार्कल्स हैं सिर्फ 49 में मुझे हाइड्रॉनिक एसिड फेस मास्क यहाँ पर दिखाई दिया और 29 में वेट टिश्यू मस्कारा सिर्फ 199 का मुझे काफ़ी अच्छा लगा प्राइस इसका रीजनेबल था बहुत ज़्यादा 79 में यहाँ पे आपको काजल मिल जाएगा और चिक टेंट और चिक शाइन मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगे मैंने सोचा इसको लगा कर भी दिखाती हूँ और इसका जो कलर है वो कैंडी पिंक कलर वाओ बहुत क्यूट था जिनको अपने गाल पिंक करना पसंद है वो ये ले सकते हैं और चिक शाइन जो है वो सिर्फ शाइन करने के लिए है इसका जो कलर है वो थोड़ा लाइट था मतलब दिखाई नहीं दे रहा था सिर्फ और सिर्फ आपकी चिक शाइन करेंगे और फिर इसके बाद मैंने आगे जब देखा तो यहाँ पर मुझे ये चिकी फ्लश नज़र आए जिनमें तीन ऑप्शंस अवेलेबल थे ये भी काफ़ी क्यूट थे और मैंने सोचा इनका भी रिव्यू या फिर लगा कर इनके कलर्स आपको दिखा देती हूँ तो सबसे पहले मैंने डार्क पिंक कलर चूज़ किया तो इसका कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क था तो नाइट के लिए आई थिंक ये सही रहेगा और ये ब्राउन शेड काफ़ी अच्छा था ये मुझे अच्छा लगा मतलब अपने लिए लेने के लिए मैंने इसको सोचा और ये जो कलर था ये थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा था तो जिनको हल्की सी शाइन चाहिए वो इसको यूज़ कर सकती यहाँ पर एक और शेड मुझे नज़र आया जो कि हल्का सा डार्क ब्राउन था और इसमें भी स्पार्कल्स थे तो ये भी आपकी चिक्स को शाइन करने के लिए काफी अच्छा था फिर सिर्फ वन में मुझे यहाँ पर मिनी लिपस्टिक लिप बाम और लिप स्क्रब दिखाई दिया जो कि कहीं अगर आप जा रहे हैं तो कैरी करने के लिए परफेक्ट है फुटवेयर के सेक्शन में आते ही इतना बिखरा हुआ देख तो मुझे चक्कर आने लगे थे लेकिन फिर भी मैंने इन सबको छोड़ कर अपनी वीडियो की तरफ ध्यान दिया और सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्यूट से पिंक कलर की स्लीपर उठाई और इसमें एक क्यूट सा ग्रीन कलर का ऑप्शन और था 299 में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ मिलेगी इसमें सिक्वेंस लगे हुए हैं और थोड़ा शाइन शाइनी स्लीपर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो वेरायटीज़ की तो यहाँ कोई कमी नहीं है तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे फ्लैट्स के यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है जिनको फ्लैट्स पहनना पसंद है उनको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे 399 में आगे मुझे काफ़ी अच्छे स्लीपर्स नज़र आए जिनकी सोल भी काफ़ी थिक थी और इसमें भी बहुत ज़्यादा वेराइटीज थी 399 में यहाँ पर ये कलरफुल स्लीपर्स भी मुझे दिखाई दिए जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे और जिनको हील पसंद है वो वहाँ पर इनको हील के ऑप्शन भी मिल जाएंगे ये वाइट वाले मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थ्री नाइन्टी नाइन की सेक्शन में मुझे एक बहुत ही क्यूट सी बैली पसंद आई जिसकी शेप मुझे बहुत सुंदर लगी और फिर मैंने सोचा इसको ट्राई करने का क्योंकि ये मुझे काफ़ी पसंद आ रही थी तो मैंने सोचा लेने से पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं साइज भी अच्छा लगा और पहनने के बाद ही मुझे काफ़ी स्टाइलिश लगी थ्री नाइन्टी नाइन में इतने सारे ऑप्शन है कि आप पूछो ही मत कलर वेराइटीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी इसमें पिंक ग्रीन येलो ब्राउन बहुत ही सारे ऑप्शन थे काफ़ी कलरफुल कलेक्शन मुझे यहाँ पर देखने को मिला मेरी नज़र यहाँ नीचे पड़े ब्राउन शूज़ पे गई यहाँ पे इतना कुछ बिखरा हुआ था कि समझ ही नहीं आ रहा था ये वाले शूज़ भी मैंने ट्राई करने का सोचा और इसकी सोल जो पीछे से हील थी काफ़ी अच्छी लग रही थी और पहनने के बाद काफ़ी स्टाइलिश लग रहे थे और सबसे हैरानी वाली बात इसके प्राइस सिर्फ और सिर्फ थ्री नाइन्टी नाइन था काफ़ी स्टाइलिश लगे मुझे ये और आगे शूज़ आपको टू नाइन्टी नाइन में देखने को मिलेंगे और यहाँ पर वाइट कलर के शूज़ ये भी टू नाइन्टी नाइन के थे शूज़ का प्राइस टू नाइन्टी नाइन बहुत ज़्यादा कम और काफ़ी अच्छा लगा इसको आप पहन के ट्राई कर सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लग रहे हैं तो आप इनको ले सकते हैं और यहाँ पर स्पोर्ट्स शूज़ का जो प्राइस है वो फोर नाइन्टी नाइन देखने को मिला क्योंकि इसकी जो सोल है वो थोड़ी थिक है तो उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया और ये बहुत क्यूट है, है ना <laughs> ये वाले मुझे काफ़ी पसंद आए मैंने इनको भी एक बार ट्राई करने का सोचा क्योंकि बहुत ही क्यूट लग रहे थे बहुत कलरफुल लिटिल हार्ट इसके ऊपर बने हुए थे बहुत ही प्रटी अब मैं आई हूँ टॉप और टी शर्ट के सेक्शन में जिनका प्राइस स्टार्ट हो रहा था सिर्फ टू नाइन्टी नाइन से क्रॉप टी शर्ट और क्रॉप टॉप के यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे काफ़ी स्टाइलिश काफ़ी ट्रेंडी और यहाँ पर लूज जीन्स जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ये भी यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एट नाइन्टी नाइन में दिखाई दी और यहाँ पर ब्लैक में भी ऑप्शन थे मतलब ट्राउजर्स के भी यहाँ पे आपको इतने ऑप्शंस मिल जाएंगे कि पूछो ही मत और सबसे अच्छी बात इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है और कार्गो पेंट एट नाइन्टी नाइन में मुझे समर के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी लगी इसका कपड़ा भी काफ़ी कम्फर्टेबल था आगे मुझे और ज़्यादा टॉप नज़र आया जिनका जो प्राइस है वो सिक्स नाइन्टी नाइन है लेकिन इसका जो स्टफ था मुझे थोड़ा सा थिक लगा समर के अकॉर्डिंग और वाइट कलर का ये वेस्ट जैकेट मुझे काफ़ी पसंद आई और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है बहुत ही स्टाइलिश लग रही है फाइव नाइन्टी नाइन में ये टॉप मुझे काफ़ी कल पसंद आया इसका कलर भी बहुत सुंदर था और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था फ्रंट साइड इसका ये था और यहाँ पर टॉप की बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है इसका स्टफ समर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था एकदम पतला नेट वाला और कलर के भी यहाँ पे बहुत ऑप्शन है और टॉप की वैराइटीज भी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी अब मैं आई हूँ कुर्ते के सेक्शन में जिनका प्राइस स्टार्ट हो रहा है फोर नाइन्टी नाइन से तो डेली वेयर के अकॉर्डिंग ये कुर्तियाँ काफ़ी अच्छी थी और समर में कॉटन की कुर्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं तो जिनको कुर्तियों का शौक़ है अगर वो इस सेक्शन में आएंगे तो उनको ये सेक्शन बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि यहाँ पर सिंपल कुर्तियों के बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है सिक्स नाइन्टी नाइन में यहाँ पर मुझे जो है थोड़ी हैवी कुर्ती देखने को मिली जिसमें सिक्वेंस और एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा है शाइनी भी है और यहाँ पर ब्लैक कुर्ती मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी इसमें एक और वेराइटी भी है पिंक में जिसका थोड़ा सा डिजाइन अलग था नेक में पूरा सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा है बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर एथनिक ड्रेसेस की काफ़ी वेराइटीज़ है मुझे एथनिक ड्रेसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिली शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही लेंथ में यहाँ पर एथनिक ड्रेसेस के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और सच बताऊँ तो मुझे ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद है इसलिए इस सेक्शन में आके मुझे बहुत खुशी मिली और इनका प्राइस जो है वो फोर नाइन्टी नाइन फाइव इसी रेंज में है मतलब ट्रिपल से ऊपर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी नहीं मिलेगा तो यहाँ पर वेराइटीज़ काफ़ी सुंदर है काफ़ी अच्छी है और इनका जो स्टफ है वो भी काफ़ी अच्छा है इसकी स्लीव बहुत स्टाइलिश थी एकदम लूज़ लूज़ ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी आगे मुझे यहाँ पर नाइट सूट्स दिखाई दिए और यहाँ पर नाइट सूट्स के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे तो नाइट सूट्स की अगर बात करें तो लोअर का जो प्राइस मुझे यहाँ पर मिला 399, 499 और अपर टॉप की अगर बात करें तो वो है 299, 399, 499 मगर आप अगर पूरा सेट लेना चाहते हैं तो आपको 400, 500, 600 की रेंज का यहाँ पर अलग अलग रेंज का जो है मिल जाएगा टच करने में भी काफ़ी सॉफ्ट है और आगे मुझे ब्रीफ्स का पैक दिखाई दिया थ्री का पैक टू फोर्टी नाइन में जो देखने में काफ़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल लग रहे थे और फिर आगे यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है स्लीपर्स जो आप एथनिक के साथ पहन सकते हैं और यहाँ पर ब्लैक वाली जो है ये एम्ब्रॉयडरी स्लीपर्स है मुझे काफ़ी पसंद आई इस सेक्शन में जब मैं आई तो यहाँ पे मुझे हर एक चीज़ ग्रीन देखने को मिली चाहे वो टॉप हो ड्रेस हो प्लाजो हो तो यहाँ पे ग्रीन की काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज थी और अगर मैं यहाँ पर प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी की बात करूं तो सच बताऊं तो प्राइस तो यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल और लो है लेकिन क्वालिटीज़ जो है वो आपको लो नहीं मिलेगी क्वालिटी मुझे यहाँ पर काफ़ी सही लगी यहाँ पर आपको काफ़ी ट्रेंडी और स्टाइलिश कपड़े देखने को मिलेंगे मतलब प्राइस यहाँ पर एकदम कम है और स्टाइल और ट्रेंड जो आजकल चल रहा है एकदम लेटेस्ट वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये चीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आई अब मैं आ गई हूँ मेंस कलेक्शन में तो यहाँ पर जो शर्ट है वो 499 से स्टार्ट हो रही है और 499 में इतनी ज़्यादा स्टाइलिश शर्ट्स आपको मिलेंगी एकदम लेटेस्ट ट्रेंडी डिज़ाइन तो शर्ट्स के भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और जैसे कि जूडियो को जारा का ड्यूब बोला जाता है तो यहाँ पर आपको डिज़ाइंस भी उसी हिसाब से जो है मिलेंगे मतलब काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस मुझे तो काफ़ी पसंद आए पर टी-शर्ट्स के भी बहुत सुंदर सुंदर ऑप्शन थे सिर्फ टू नाइन नाइन में और ये वाली टी शर्ट का प्राइस जो था वो सेवन नाइन नाइन था और पूरा बटन्स लगे हुए थे और ट्राउजर सॉरी शर्ट्स आपको मिल जाएंगी फाइव नाइन्टी नाइन में काफ़ी अच्छा ऑप्शन था और यहाँ पर और भी मुझे शर्ट्स के ऑप्शन दिखाई दिए जिनका कपड़ा काफ़ी कंफर्टेबल सॉफ्ट था गर्मियों के हिसाब से और ये वाली शर्ट जो है पूरी नेट की थी तो गर्मियों में पहनने के लिए काफ़ी अच्छी थी इसकी मैचिंग की जो है शॉर्ट्स भी डिस्प्ले की हुई थी तो अगर कोई पेयर बना के लेना चाहता है तो वो पूरा पेयर भी ले सकता है और जाते जाते मेरी नज़र पड़ी इन सुंदर सी हेयर क्लिप्स पे हेयर एसेसरीज पे जिनका प्राइस स्टार्ट हो रहा था सेवेंटी नाइन सेवनटी नाइन रुपीज़ में आपको बहुत ही क्यूट से ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो जब मैं बिलिंग की तरफ जा रही थी तो मेरी नज़र इन क्यूट क्यूट क्लिप्स पे पड़ी और इनको देख के मुझसे रहा नहीं गया तो फिर मैंने इनको देखना स्टार्ट किया और काफ़ी सारी क्लिप्स मुझे पसंद आई क्लचर के भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं तो जिनको क्लचर का शौक है वो यहाँ से क्लचर भी ले सकते हैं और फिर मुझे यहाँ पर सिर्फ फोर्टी नाइन रुपीज़ में फ़ेस मास्क शीट मिली जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है इसमें ऑप्शन थे विटामिन सी हायलरॉनिक एसिड कॉफ़ी चारकोल ये भी काफ़ी पसंद आए और सिर्फ नाइन्टी नाइन में फ़ेस वॉश तो मतलब यहाँ पर हर एक चीज़ मिल जाएगी और फिर यहाँ पर सबसे फनी मिला मुझे कटा हुआ हाथ <laughs> ये बहुत ज़्यादा फनी था तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तब तक के लिए बाय टेक केयर